यूट्यूब के इस चैनल में सभी का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि 94,000 शिक्षक बहाली की बात की जा रही है। जिस प्रकार से कल की खबर ने अभ्यर्थियों में कुछ राहत जरूर दी थी और पटना के शिक्षा मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने केस को मेंशनिंग करा दी है ब्लाइंड केस वाले को। अब देखने ये होगा कि भाई इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब तक हमें पटना हाईकोर्ट से जो ब्लाइंड केस का मामला है कितने नंबर पे लिस्टेड है ये ना पता चल जाए तब तक इस पर विश्वास करना अभी भी गलत होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के कारनामे सभी को पता ही हैं। ऐसे में देखिए 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी मेहनत की है और डिजिटल आंदोलन की तैयारी भी अब शुरू हो रही है। उसी के साथ साथ प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कराई गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ बातें हैं वो भी हम विस्तार से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, लिखा है वर्षों से लंबी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग। पटना 19 मई 2021 दे सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा विस्तार से पढ़ेंगे कि कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि 2 दिनों में काउंसलिंग का डेट जारी करा दिया जाएगा। तो दे सकते हैं दोस्तों, ऐसा कहा गया था कि 2 दिनों में जो है वो काउंसलिंग की डेट जारी करा दी जाएगी, लेकिन आप दे सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वही ढाक के 3 पात और अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। जबकि अभ्यर्थियों ने इसे लेकर लंबे अरसे से आंदोलन भी किए हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। और देखिए आंदोलन धरना प्रदर्शन के 2 दिनों में काउंसलिंग की डेट जारी कर दिया जाएगा ऐसा कहा गया था, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आश्वासन के लगभग 4 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक काउंसलिंग की डेट जारी नहीं हुई है, जिस कारण राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी निराश हैं, हताश हैं। वर्तमान सरकार चुनाव पूर्व 19 लाख रोजगार का वादा किया भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मोदी ने, सुशील मोदी ने, तो यहां तक कहा था कि आगे वाले नए 1 वर्षों में 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली तो दूर की बात रही, करीबन 2 वर्षों से पुरानी भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई। राज प्रवक्ता ने कहा कि जैसे लिखा है, राज्य एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सवाल पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 5 अप्रैल को दिव्यांग मुद्दे पर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी ताकि वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी यथाशीघ्र पूर्ण हो सके, लेकिन बेहद शर्मनाक और निंदनीय है कि अभी तक इसे लेकर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की गई है। अब आप देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है यहाँ पे, देखिए, और शर्मनाक और निंदनीय है कि अभी तक शिक्षा मंत्री ने इसे लेकर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं पूर्ण की है और अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी परेशानी में हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा है कि नियुक्ति जल्द से पूर्ण हो जाए। उन्होंने कहा कि ये सत्य लिखा हुआ है, सौरभ, राहुल ले सकते हैं, इमरान, अमित आदि कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी के बारे में बताते हुए कहा कि दर्जनों शिक्षक अभ्यर्थी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर कोरोना महामारी में के शिकार हो रहे हैं, यह कितनों के परिवार उजड़ गए हैं। नियुक्ति को लेकर झूठे आश्वासन ही मिला, जो भी बात कहा जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता, हमेशा तारीख पर तारीख मिलता रहता है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा उठ चुका है, यदि यही सही में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर है तो स्पेशल मेंशनिंग कर माध्यमिक उच्च माननीय उच्च न्यायालय में शीघ्र सुनवाई पूरी करे का अनुरोध किया जाए। न्यायालय
में सुनवाई के बाद अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति यथाशीघ्र विद्यालयों में कराई जाए, ताकि शिक्षक जो है विद्यालयों में योगदान देना शुरू कर दें। और देख सकते दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक आप देख सकते हैं कि बिहार में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षकों के 3 लाख से अधिक पद रिक्त, इसके बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है। देख सकते हैं, बिना शिक्षक कैसे पढ़ेगा बिहार, यह बड़ा सवाल है। कुछ जिलों में विद्यालय भवन का भी अभाव है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के रिक्त पद देख सकते हैं। बिहार में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के पद देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपडेट दिया गया है। 7,28,937 हैं 1 से 12 तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद। देखिए 7 लाख हैं, यानी कि इतने पद, इतने स्वीकृत पद हैं दोस्तों, जिसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या 4,13,159 है। इस प्रकार वर्तमान शिक्षकों की शिक्षा दे सकते हैं, रिक्त पदों की संख्या 3,45,778 है। इतने पद जो हैं वो खाली हैं। इतने शिक्षकों के रिक्त पद के बावजूद भी सरकार समय पर शिक्षकों की बहाली नहीं करती। वर्तमान में 94 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अटकी हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हालात है। और इस हालात को क्या कहें हम, क्योंकि जिस प्रकार से केवल आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन देकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान देख चलाई जा रही है मुहिम। राज्य में शिक्षकों का अभाव है, फिर भी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए बिहार में युवाओं द्वारा एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसका नाम बिन शिक्षक के पढ़ रहा बिहार है। देख सकते हैं, इस मुहिम की शुरुआत बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन फेसबुक पेज के फाउंडर सौरभ कुमार द्वारा किया गया है। सौरभ ने बताया कि जब हमने बिहार में विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति को का जायज़ा लेना शुरू किया, तो शिक्षकों की कमी देखकर दंग रह गए। जब रिक्त पद हैं तो सरकार समय पर बहाली क्यों नहीं पूर्ण करती है। साथ ही टीचर्स एकेडमी ग्रुप के विवेक कुमार ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक कम से कम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ प्रधानाध्यापक समय 6 शिक्षकों की आवश्यकता होती है, कहीं 2 तो कहीं 1 शिक्षक कार्यरत हैं। तो दे सकते हैं दोस्तों, बहुत ही दुखद बात है ये। और कहा जा रहा है कि भाई वर्तमान में राज्य के दे सकते हैं विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति आप दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक आंकड़ा है जो बताया गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विद्यालयों की संख्या पर बात करें तो 41,742 प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि 26,523 मध्य विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक व 261 केवल मध्य विद्यालय हैं। बिहार में 3,276 विद्यालय पर सिर्फ 1 शिक्षक, 12,507 विद्यालय पर 2 शिक्षक और 10,565 विद्यालय पर दे सकते हैं 3 शिक्षक हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आंकड़ा बताया गया है कि भाई शिक्षकों की कितनी ज़्यादा कमी जो है वो बिहार में चल रही है। इसके बावजूद भी अगर सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाता है तो दयनीय स्थिति कही जा सकती है। सीतामढ़ी जिले में शिक्षक छात्र का अनुपात देखिए 75 है, तो वहीं नालंदा जिले में शिक्षक छात्र का अनुपात 42 है। राज्य में 2007 से लेकर 2008 में विद्यालयों की संख्या दे सकते दोस्तों 66,627 थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर दे सकते 70,934 हो गई। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा आंकड़ा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,83,176 शिक्षकों की पद जो हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं खाली चल रहे हैं। तो काफ़ी दयनीय अवस्था कही जा सकती है कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की जो है काफ़ी दयनीय अवस्था चल रही है। शिक्षक नियुक्ति मामला RJD प्रवक्ता ने कहा कसा सरकार पर तंज, आश्वासन दिया है, देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे। RJD प्रवक्ता ने कसा सरकार पर तंज, आश्वासन के लगभग 4 माह गुजर जाने के बाद भी नहीं हुई शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण। देख सकते हैं 4 माह गुजर जाने के बाद भी काउंसलिंग क्यों नहीं हुई, इसकी मांग जो है दोस्तों वो चल रही है। और देखिए 19 मई 2021 को राष्ट्रीय प्रदेश जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चिरंजन गगन ने वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को देख सकते हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज कराई गई और आंदोलन को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सब कुछ असफल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भाई अब मांग है कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है
वो जल्द से जल्द पूर्ण की जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का एक लंबा इंतजार जो है अब कहीं ना कहीं वो सब्र का बांध जो है वो टूटता नजर आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी गई है, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।